हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन्सी निमोनिया से बीमार है और एक उसके मन में ये एक सस्पिशन आ गया है कि जो उसके कमरे से उसकी कमरे की खिड़की से जो बाहर अंगूर की बेल दिख रही है, जैसे ही उसकी अंतिम पत्ती गिरेगी वैसे ही उसकी मौत हो जाएगी। और सीयू जो उसकी फ्रेंड है वो कोशिश कर रही है कि वो जॉन्सी को इस ये जो मॉर्बिड फैंसी ये जो इस तरह की बीमारी वाली हालत में जो वो इस तरह का गलत सोच रही है इस कंडीशन से बाहर ला सके, लेकिन अभी तक सीयू को कोई सक्सेस नहीं मिली है। मैंने आपको बताया कि लास्ट एक पत्ती है जो अभी भी आईवी वाइन पर दिख रही है और वो पत्ती दो दिनों के तेज बारिश और आंधी तूफान के बावजूद भी नहीं गिरी हुई है। द आईवी लीफ वॉज स्टिल देयर। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। लंबे समय तक जॉन्सी उसको देखती रही एंड देन शी कॉल्ड टू सीयू हु वॉज स्टरिंग हिज हर चिकन ब्रोथ ऑन ओवर द गैस स्टोव। उसके बाद उसने सीयू को बुलाया। काफी देर तक जॉन्सी उस पत्ती को देखती रही, उसके बाद उसने सीयू को आवाज दी, सीयू को बुलाया। सीयू जो थी वो गैस स्टोव पे चिकन का ब्रोथ बना रही थी। आई हैव बीन अ बैड गर्ल सीयू डी, सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोल रही है सीयू से, मैं बहुत खराब लड़की हूं। समथिंग हैज मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ विकेड आई वॉज। ये लास्ट लीफ इतने आंधी तूफान के बाद भी बची रही और इसने इस पत्ती ने मुझे एहसास कराया कि मैं कितनी खराब हूं। इट इज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मरने के बारे में सोचना पाप होता है। यू मे ब्रिंग मी अ लिटिल ब्रोथ नाउ एंड सम मिल्क विद अ लिटिल पोर्ट इन इट। अब मेरे लिए थोड़ा सा ब्रोथ ले आओ, मैं ब्रोथ पीना चाहती हूं और थोड़ा सा दूध मिल्क जिसमें थोड़ी सी पोर्ट वाइन डाल देना। एंड नो, ब्रिंग मी अ हैंड मिरर फर्स्ट, पहले मेरे को शीशा दिखाओ मैं कैसी दिख रही हूं। एंड देन पैक सम पिलोज अबाउट मी, मेरे पीछे थोड़ी तकिया लगा दो, मैं उठ के बैठना चाहती हूँ। एंड आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक, और बैठ के मैं देखूंगी कि किस तरह से तुम खाना पका रही हो। इसका मतलब ये सारी चीजें जॉन्सी बोल रही है, इसका मतलब उसका लाइफ में इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है। अब उसको लग रहा है कि वो जीना चाहती है। एन आवर लेटर शी सेड, एक घंटे बाद जॉन्सी बोली, सीयूडी समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। सीयू किसी दिन देखना मैं बे ऑफ नेपल्स पेंट करूंगी। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, दोपहर में डॉक्टर आए। एंड सीयू हैड एन एक्सक्यूज टू गो इन टू द हॉलवे एज ही लेफ्ट। सीयू उनसे अकेले में बात करने गई। Even chances, said the doctor. डॉक्टर ने कहा अभी भी मौका है, जॉन्सी बच जाएगी। Taking Sue's thin shaking hand in his, Sue कांप रही थी, उसका हाथ पकड़ा डॉक्टर ने और समझाया, With good nursing, you will win. जॉन्सी की देखभाल करो, जीत तुम्हारी होगी। And now, I must see another case I have downstairs. अब मैं जा रहा हूँ एक दूसरे पेशेंट को देखने जो नीचे है। Bear man, his name is, उसका नाम Bear man है। Some kind of an artist, I believe, pneumonia too. वो भी एक प्रकार का कलाकार है, आर्टिस्ट है, और उसको भी निमोनिया हुआ है। He is an old weak man and the attack is acute. एक बूढ़ा कमजोर सा आदमी है और जो निमोनिया का अटैक उसको हुआ है वो बहुत एक्यूट है, बहुत हाई इंटेंसिटी का अटैक हुआ है। देर इज नो होप फॉर हिम, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बट ही गोज टू द हॉस्पिटल टुडे टू बी मोर मेड मोर कंफर्टेबल। फिर भी मैं उसको आज हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा हूँ जिससे कम से कम थोड़ा सा कंफर्ट आराम उसे मिल जाए। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सीयू, दूसरे दिन डॉक्टर सीयू से कहते हैं, शी इज आउट ऑफ डेंजर, यू हैव वन, तुम्हारी सहेली खतरे से बाहर है, तुम जीत गई। न्यूट्रिशन एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल, अब सिर्फ
उसके खाने पीने का ध्यान रखो, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखो बस, और उसकी केयर करो. And that afternoon, Sue came to the bed where Jonsi lay, contentedly knitting a very blue and very useless woolen shoulder scarf, and put one arm around her pillows and all. उस दोपहर को सीयू जॉन्सी के पास गई. जॉन्सी लेटी हुई थी आराम से, तकिया लगा के टिकी हुई थी, और नीले रंग का एक स्कार्फ बुन रही थी. निटिंग करना जानते हैं ना, बुनाई. जॉन्सी लेट के बुनाई कर रही थी. आई हैव समथिंग टू टेल यू व्हाइट माउस, शी सेड. व्हाइट माउस, सफेद चूहिया, प्यार से अपनी सहेली को बुला रही है. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, सीयू बोलती है. मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन हॉस्पिटल. आज मिस्टर बेयरमैन की निमोनिया से मौत हो गई. He was ill only 2 days. सिर्फ 2 दिन बीमार थे वो. The janitor found him on the morning of the first day in his room downstairs, helpless with pain. पहले दिन janitor, watchman, चौकीदार ने देखा कि वो अपने कमरे में पड़े हुए थे और दर्द से बेहाल थे. His shoes and clothing were wet through an icy cold. उनके कपड़े, उनके जूते एकदम ड्रेंच्ड थे, एकदम भीगे हुए थे और एकदम आइसी कोल्ड थे. दे कुडंट इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच अ ड्रेडफुल नाइट. लोग समझ ही नहीं पाए इतनी खतरनाक रात जिसमें इतना पानी गिर रहा था, ओले गिर रहे थे, आइस स्नोफॉल हो रहा था, ऐसी रात में वो गए कहां थे. And then they found a lantern still lighted, a ladder that had been dragged from its place, and some scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed on it. And look out of the window, dear, at the last ivy leaf on the wall. फिर लोगों ने पाया एक लालटेन जो जली हुई थी, एक सीढ़ी जिसे अपनी जगह से सरकाया गया था, कुछ फैले हुए ब्रशेस पेंट करने वाले, एक पैलेट प्लेट जिसमें येलो और ग्रीन कलर को मिक्स किया गया था, और जरा देखो तो खिड़की के बाहर वो अंतिम पत्ती नजर आ रही है दीवार पर. Didn't you wonder it never fluttered or moved when the wind blew? तुमको आश्चर्य नहीं हुआ हवा चली, ये पत्ती एक बार भी नहीं हिली. Ah, darling, it's Bearman's masterpiece. He painted it there the night the last leaf fell. ये बेयरमैन का मास्टरपीस थी. इसने बेयरमैन ने इस लीव को उस समय पेंट किया था जब अंतिम पत्ती गिर गई थी. यू गॉट द स्टोरी? कहानी समझ में आई? जॉन्सी के दिमाग में जो एक वहम आ गया, एक बात आ गई, एक सस्पेशन आ गया कि अंतिम पत्ती के साथ मेरी मौत हो जाएगी. ये बात जब सीयू बेयरमैन को बताती है तो उस रात पत्ती तो उसी समय गिर गई थी जब इन लोगों ने, जब ये हर्मिट माइनर का मॉडल बन के बैठा था और खूब तेज हवा और बारिश हो रही थी उस रात. उतने परसिस्टेंट रेन में, लगातार गिरने वाले पानी में, बेयरमैन ने जाके उस पत्ती को वहां पर पेंट कर दिया था, उस अंगूर की बेल पे. और उस पत्ती को देखकर जॉन्सी को साहस आया. शी गेन्ड करेज कि अगर एक छोटी सी पत्ती, इतनी तेज बारिश,
इतना तेज आंधी तूफान झेल सकती है तो मैं क्यों नहीं. एंड शी सेज इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, कि हम मरने के बारे में सोचते हैं ये पाप है. कितने सेल्फिश हो जाते हैं हम. हमारे मरने के बाद वो लोग जो हमसे जुड़े हैं उनको कैसा लगता होगा. हम तो मरे मुक्त हो गए, लेकिन जो हमसे जुड़े हैं, जो हमको चाहते हैं, उनको कितना दर्द महसूस होता है. सियू कितना दर्द झेल रही है. इसका एहसास जॉन्सी को तब हुआ जब उसने उस पत्ती को देखा कि वो लास्ट लीफ सरवाइव कर गई. इतना तेज स्टॉर्म, इतनी तेज रेन्स विथ स्नोफॉल. तो मुझे तो बीमारी हुई है, मेरी मेडिसिन चल रही है, मैं ठीक क्यों नहीं हो सकती. मैं क्यों सोचूं कि मैं मरूंगी. वहां से उसने अपनी जिंदगी में लाइफ में इंटरेस्ट क्रिएट किया. उसने कहा मैं कुछ खाना पीना चाहती हूँ. उसने कहा मैं नेपल्स पेंट करना चाहती हूँ. उसने कहा मुझे शीशा दिखाओ, मैं अपना चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ. उठ के बैठी, और जब वो उठ के बैठी और उसने अपने लाइफ में इंटरेस्ट क्रिएट किया, फ़ायदा क्या हुआ, मेडिसिन तेज़ी से असर करने लगी और जॉन्सी ठीक हो गई. लेकिन बेरमैन जिसने जॉन्सी को बचाने के लिए वो अंतिम पत्ती, वो लास्ट लीफ पेंट की आईवी वाइन पे, निमोनिया के अटैक ने उनकी जान ले ली. कहानी समझ में आई अच्छे से. लास्ट लीफ, लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज वन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज. पहली एक्सरसाइज जो है उसको आपको एक शब्द में जवाब देना है या शॉर्ट रिस्पॉन्सेज में देना है. वेयर वेयर द स्ट्रीट्स ब्रोकन इन टू स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ प्लेसेस. कौन सी वो जगह है जहां पे गलियां एक दूसरे को काटती हैं. ग्रीनविच विलेज, आप इन ए लिटिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर लिख सकते हैं, या सिंपली राइट ग्रीनविच विलेज. आंसर वन, ग्रीनविच विलेज. सेकेंड वन, व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ जॉन्सी. जॉन्सी का रियल नेम जोना. वेरी गुड, वेरी गुड. आंसर टू, जॉन्सी का रियल नेम है जोना. इन विच होटल डिड सियू एंड जॉन्सी मीट. कौन सा होटल है जहां पे सियू और जॉन्सी की मुलाकात हुई थी. डेलमोनिकोज. आंसर थ्री, डेलमोनिकोज. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को. Who's talked about the colony? Colony में कौन चोरी से घुसा था. निमोनिया. निमोनिया की स्पेलिंग में पी साइलेंट है. ओके, हु वॉज द लिटिल वुमन विथ ब्लड थिन बाय कैलिफोर्नियन ज़फायर्स. कौन वो कमजोर सी औरत थी जिसका ब्लड कैलिफोर्नियन ज़फायर्स, कैलिफोर्नियन हवा के कारण पतला हो गया था. जॉन सी. वेरी गुड, जॉन सी, जॉन सी. Was the red-fisted, short-breath old duffer? कौन था जिसकी मुट्ठी लाल, जो जिसकी जिसके जिससे जिसकी ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट थी, जिसको सांस लेने में जिससे दिक्कत होती थी, वो ओल्ड डफर कौन था. नहीं बेटे, निमोनिया. निमोनिया, निमोनिया की बीमारी से चेहरा लाल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है. परसोनिफिकेशन है निमोनिया का,
है ना। निमोनिया को आदमी के रूप में बताया है, तो इसको आप या तो निमोनिया लिखिए या मिस्टर निमोनिया लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं। ये है निमोनिया। निमोनिया की बीमारी चेहरा लाल कर देती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये निमोनिया था। ओके, व्हाट डिड जॉन्सी वांट टू पेंट समडे? जॉन्सी क्या पेंट करना चाहती थी? बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स की खाड़ी। आंसर 7, बे ऑफ नेपल्स, बे ऑफ नेपल्स। जॉन्सी नेपल्स की खाड़ी पेंट करना चाहती थी। व्हाट वॉज जॉन्सी काउंटिंग? जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी? लीव्स ऑन द आईवी वाइन, अंगूर के बेल पे लगी हुई पत्तियां। आंसर 8, लीव्स ऑन द आईवी वाइन, अंगूर की बेल पर लगी हुई पत्तियां काउंट कर रही थी। वॉज टू मॉडल एज द हर्मिट माइनर? हर्मिट माइनर के रूप में कौन मॉडल बनने वाला था? हर्मिट माइनर के रूप में कौन मॉडल बनने वाला था? मॉडल का काम कौन करता था? बेयरमैन। आंसर 9, बेयरमैन। What has been waiting for 20 years and what for? Bees, waiting for 25 years and what for? कौन सी चीज 25 सालों से इंतजार कर रही थी, किसका? बेयरमैन क्या करना चाहते थे? एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, तो उनका खाली कैनवस वेट कर रहा था कि कभी ना कभी उस पर क्या बनेगा, मास्टरपीस बनेगा। ब्लैंक कैनवस, फॉर मास्टरपीस, ब्लैंक कैनवस फॉर मास्टरपीस। व्हाट डिड बेयरमैन ड्रीम ऑफ डूइंग वन डे? बेयरमैन एक दिन क्या करना चाहते थे? एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे। आंसर 11, पेंटिंग अ मास्टरपीस, पेंटिंग अ मास्टरपीस। Now these were the questions, short answer questions. Now we'll move on to answer the following questions in one or two sentences exercise 2. हम अब दूसरी exercise करने वाले हैं जिसमें एक या दो sentence में आपको answer लिखना है. Okay? Shall I wipe it out? आपने इसको complete कर लिया? Okay. फर्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचिए, इससे पहले मैं इसे वाइप करूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जॉइंट स्टूडियो ऑफ सीयू एंड जॉन्सी कम इनटू एग्जिस्टेंस? हाउ डिड द जॉइंट स्टूडियो, मिलजुल कर जो स्टूडियो खोला जॉन्सी और सीयू ने, हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? ये अस्तित्व में कैसे आया, कैसे अचानक उन लोगों ने, पहले तो कोई सिस्टर्स नहीं है, वो लोग फ्रेंड्स हैं, कैसे दोस्ती हुई, कैसे दोनों ने मिलकर जॉइंट स्टूडियो खोला, बताएंगे क्या हुआ होगा अचानक कि दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टूडियो खोलने के बारे में सोचा? बताइए, क्या रीजन हो सकता है?
दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? एक होटल में। और उन्होंने वहां क्या पाया कि दोनों का टेस्ट, दोनों की रुचि एक जैसी है। किसमें? कला के मामले में, खाने पीने के मामले में, कपड़ों के मामले में। और दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों ने मिलकर अपना क्या खोल लिया? जॉइंट स्टूडियो खोल लिया। आंसर वन, राइट डाउन। सीओ एंड जॉन सी मेट एट ए होटल एंड बिकेम फ्रेंड्स। दे फाउंड their tastes similar in art, food and clothing. Thus, their joint studio came into existence. उन्होंने पाया कि उनका जो टेस्ट है वो सिमिलर है आर्ट, फूड एंड क्लोथिंग। और नतीजा ये हुआ, देयर जॉइंट स्टूडियो रिजल्टेड, उन लोगों ने मिलके एक क्या खोल लिया? जॉइंट स्टूडियो खोल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What did the doctor suggest to save John C's life? John C की life को बचाने के लिए doctor ने क्या suggest किया? Doctor ने ये suggest किया कि उसका जिंदगी में interest बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा ना कि winters में कैसे cloaks पहने जाएंगे, कितने दूर तक उसकी बाहें होंगी, sleeves होंगी, इस question का answer आप ले लो। अगर जॉन सी इस क्वेश्चन का आंसर देती है, इसका मतलब वो बचेगी, राइट? आंसर टू, टू सेव जॉन सीज लाइफ, द डॉक्टर सजेस्टेड that her interest in life should be created डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि जिंदगी में उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी वो बचेगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन सी फील अबाउट द फॉलिंग आईवी लीव्स? अंगूर की जो गिरती हुई पत्तियां थी उसको देखकर जॉन सी ने क्या सोचा? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। लास्ट लीफ के गिरते ही उसकी भी डेथ हो जाएगी। ये जॉन सी की अपनी कल्पना, अपना इमेजिनेशन है। जॉन सी थॉट
दैट विथ द फॉल ऑफ लास्ट आई बिलीव she would also die I'm trying to keep the answers as short as possible jitna chhota ho sake main chhota likhwa rahi hu jisse tum logon ko yaad karne mein dikkat na ho If you will go through the guidebooks, they have written very big answers and I don't like it. आपका जो जिस्ट है वो आ जाना चाहिए दैट्स इट एक लाइन में अगर आंसर आ जा रहा है यू नीड नॉट राइट टू और थ्री सेंटेंसेस ओके सो जॉन्सी थॉट दैट विद द फॉल ऑफ लास्ट आई बिलीव शी वुड ऑल्सो डाई नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट रिमार्केबल थिंग डिड बेयरमैन डू ड्यूरिंग द नाइट रात के समय बेयरमैन ने कौन सा रिमार्केबल इंपॉर्टेंट काम किया वेरी गुड जब वो पत्ती गिरी अंतिम उसने वहां पे क्या किया एक लास्ट लीफ पेंट कर दिया ड्यूरिंग द नाइट बेयरमैन पेंटेड The last leaf on the ivy vine, on the brick wall. ठीक है? जैसे ही वो last leaf गिरी, वैसे ही बेयरमैन ने अंतिम पत्ती को वहां पर पेंट कर दिया जिससे जॉन्सी डिफर नहीं कर पाए इस चीज को समझ नहीं पाए कि लास्ट लीफ गिर चुकी है ऑलरेडी उसका मॉरल और डाउन हो जाता वो और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती जैसे ही उसको अंदाज होता कि अंतिम पत्ती गिर चुकी है इसलिए बेयरमैन ने वहां पे एक लास्ट लीफ पेंट कर दी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जॉन्सीज रिएक्शन आफ्टर शी सॉ द लास्ट लीफ जॉन्सी का रिएक्शन क्या था जब उसने अंतिम पत्ती को वहां पर देखा जब अंतिम पत्ती को जॉन्सी ने वहां पर देखा तो उसका रिएक्शन था कि एक पत्ती अगर इतना थंडर एंड स्टॉर्म इतनी रेन्स को सरवाइव कर सकती है व्हाई नॉट मी मैं क्यों नहीं इट इज अ सिन टू वांट टू डाई मरने के बारे में सोचना है क्या है पाप है ठीक है चलिए देखते हैं Question number 5. When John C. saw the last leaf stay she thought A leaf could survive if a leaf could survive through the rain and through the rains and storm Then why not she? Why not she? It is a sin to want to die.
इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, मरने के बारे में सोचना पाप होता है. शैल आई वाइप इट आउट? आंसर वन एंड टू लिख चुके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What evidence proved that Bearman had the credit of saving John C's life? कौन से ऐसे प्रमाण थे जिससे ये प्रूव होता है, जिससे ये साबित होता है कि बेयरमैन ने जॉन सी की लाइफ बचाई? बता सकते हैं कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन से ऐसे प्रमाण थे जो साबित करते हैं कि जॉन सी की जान बेयरमैन के द्वारा बची? कुछ ऐसा है क्या स्टोरी में? एनीबडी? पेंट किया उसके उसके प्रूव्स बेटा, उसके प्रमाण. कैसे प्रूव हुआ कि बेयरमैन ने ही पेंट किया हुआ था? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. इसके साथ ही वहां पे और क्या चीज देखा गया? लालटेन जो जली हुई थी, एक सीढ़ी, येलो एंड ग्रीन कलर जो एक प्लेट में मिक्स किए गए थे, ब्रशेस एंड बेयरमैन हिमसेल्फ जो कि पूरी तरह से ठंडे पानी से भीगे हुए थे, उनके जूते तक बिल्कुल पानी से गीले थे. ये सारी चीजें प्रूव करती थी कि बेयरमैन जो थे वो लास्ट लीफ पेंट करने वहां पर उतनी बारिश में गए हुए थे. लिखिए आंसर सिक्स. अ लैंटर्न. अ लैडर. Which was dragged from his plates. From its place. Some brushes. Yellow and green colors. Mixed on a plate. And Bearman himself. Drenched, bhiga hona, drenched with icy cold water. These evidences had been painting the last leaf. ये सारे प्रमाण थे, ये सारे सबूत थे जिससे पता चला कि बेयरमैन क्या कर रहे थे, लास्ट लीफ को पेंट कर रहे थे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक लाइन अपन जोड़ सकते हैं. दस द क्रेडिट ऑफ सेविंग जॉन सीज लाइफ
saving Jonsi's life goes to Bear Man. Now the last question, what was Bear Man's masterpiece? ये लिख लिया है तीन चार पांच. ओके, बेयर मैन का मास्टरपीस क्या था? ही ऑलवेज वॉन्टेड टू पेंट अ मास्टरपीस. ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट. बोलता है एक दिन तो सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, परंतु जाने से पहले मैं क्या करूंगा? जाने से पहले मैं एक मास्टरपीस पेंट करूंगा. ये उसके मन में एक बात थी कि बिफोर आई गो आई विल पेंट अ मास्टरपीस. और वो मास्टरपीस उसने पेंट किया किस रूप में? लास्ट लीफ के रूप में. द लास्ट लीफ ऑन द ब्रिक वॉल. द लास्ट लीफ ऑन द ब्रिक वॉल That saved Jonsi's life. That saved Jonsi's life was Bear Man's masterpiece. अंतिम पत्ती जो ब्रिक वॉल पे थी, जिसने जॉनसी की लाइफ बचाई, वो बेयरमैन का क्या थी? मास्टरपीस थी. सो दिस वॉज योर लास्ट आंसर. देर आर सम एक्सरसाइजेस, वोकैब, यू राइट इट डाउन फर्स्ट. सो यहाँ पर जो वोकैबुलरी की एक्सरसाइज दी है, आई थिंक एवरी वन ऑफ यू आर हैविंग अ डिक्शनरी. यू आर हैविंग, सबके पास एक डिक्शनरी है या नहीं? ओके, तो जो इसमें फिलअप्स की एक्सरसाइजेज हैं, दो दो वर्ड दिए हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, दे रिजेंबल ईच अदर, आप उनको देखिए, दोनों की मीनिंग देखिए और फिलअप्स को फिल करके लाएंगे कल. इट विल बी योर असाइनमेंट फॉर टुमारो. ओके, so that's all for now. See you in the next class. Thank you.